फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर वेरी फाइन। चिल्ड्रन, वी आर डूइंग चैप्टर 4, एक्सरसाइज 4.1। इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दैट हाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन। नाउ टुडे वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट्स इज अ सॉल्यूशन टू द गिवन इक्वेशन और नॉट। अब यहाँ पर चेक करना है कि जो वैल्यूज दी गई हैं, n इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1, n इक्वल्स टू माइनस 2, p इक्वल्स टू माइनस 4, n इक्वल्स टू 2, p इक्वल्स टू 0, ये जो वैल्यूज दी गई हैं, हमें यहाँ पर ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें इन वैल्यूज को पुट करना है और फाइंड करना है कि इक्वल के दोनों साइड की जो वैल्यू है वो बराबर आ रही है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन सेकेंड में ए दिया है n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, वेयर n इक्वल्स टू 1, n की वैल्यू यहाँ 1 दी गई है, हमें n के प्लेस पर 1 रखना है। तो चलिए हमने रखा n की जगह पर हमने रखा 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 19। अब 1 प्लस 5 क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, जो कि 19 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ आप क्या लिख देंगे, नो, या इक्वल नहीं है। अब b आप खुद करेंगे। c देखिए, 7n प्लस 5 इक्वल्स टू 19, यहाँ पर n की वैल्यू दी गई है 2। अब देखिए n की वैल्यू 2 हमें पुट करना है, तो हमने 7 रखा और n की जगह पर 2 रख दिया ब्रैकेट लगा के, क्योंकि ये n जो है इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो 7 ब्रैकेट में 2 प्लस 5 इक्वल्स टू 19। अब देखिए 7 की टेबल 2 टाइम पढ़नी होगी, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो 7 टू जा 14 प्लस 5 इक्वल टू 19। अब यहाँ 14 प्लस 5 होगा तो 19 आ गया, तो 19 इक्वल टू 19 आ गया। तो ये जो ये वाला है ये यस है, दोनों वैल्यूज जो है वो दो n इक्वल टू 2 रखने पर हमें जो इक्वेशन है ये बराबर मिल रही है। ओके, अब देखिए इसी तरह से b है आपका, b में आपको क्या रखना है, n इक्वल्स टू माइनस 2। तो मैं ये वाला करवा दे रही हूँ, e वाला, तो सेम इसी की तरह है। बाकी ये जो मैंने अभी आपको a करवाया और c करवाया, इसी के जैसे आप d और f को खुद ही कर लेंगे और b को खुद कर लेंगे। 3 मैं करवा दे रही हूँ, 3 आप कर लेंगे। तो लेट सी द क्वेश्चन e। अब क्वेश्चन e में दिया गया है 4p-3 इक्वल्स टू 13। अब यहाँ पर p इक्वल्स टू क्या दिया है, -4। अब हमें p की जगह क्या रखना है, -4। चलिए देखते हैं, 4 और यहाँ ब्रैकेट में हमने लिखा -4, p की जगह क्या रखा, -4 इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू 13। अब हम चेक करेंगे। तो देखिए हमने क्या बोला था आपसे, रूल्स जो बताए थे, नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 जा 16, और ये प्लस का है। जब किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो प्लस का कहलाता है। तो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस और माइनस जो है वो मिला करके क्या हो जाएंगे, माइनस। जब हम प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें आंसर माइनस में मिलता है, तो ये माइनस हो गया। तो 4 जा 16 तो -16, और ये है -3 तो -3। अब फिर से रूल लगेगा कि -16 और -3 दोनों ही नंबर माइनस के हैं, तो क्या होगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों ही नंबर माइनस के हैं, इसका मतलब ये दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। जैसे 16 प्लस 3 होता तो हम 19 लिखते, लेकिन -16 है और -3 है तो हम क्या लिखेंगे, -19। दोनों नंबर को ऐड कर दिया बट साइन माइनस का लगा। अब ये जो है इक्वल 13 के है क्या, नो, तो यहाँ आ जाएगा नो। इस तरह से आपको फाइंड करके यस और नो बताना है इक्वेशन को सॉल्व करके। ओके, नाउ लेट सी द क्वेश्चन नंबर 3। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। अब ट्रायल और एरर मेथड पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो चिल्ड्रन, ट्रायल और एरर मेथड में हमें क्या करना होगा कि हमें ये जो वेरिएबल दिया है, जो m दिया हुआ है, तो हमें इसमें बारी बारी से हमें नंबर्स पुट करने होंगे, 1, 2, 3, 4, 0, जो भी इस नंबर्स हैं वो नंबर्स को हमें पुट करना होगा और हमें दोनों साइड को इक्वल लाना होगा सॉल्यूशन करके। तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो माइनस की वजह से हो सकता है आप सेकंड में मिस्टेक करें, तो मैं सेकंड आपको करवा दे रही हूँ ताकि आप फर्स्ट उसी तरह से कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर वी पुट 0, 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा हम पुट करेंगे
नंबर्स जब तक कि हमें दोनों साइड के इक्वल बराबर नहीं मिल जाए, मीन्स हमें राइट साइड में 4 दिया हुआ है तो हमें लेफ्ट साइड में भी सॉल्यूशन करने के बाद 4 ही मिले। तो सबसे पहले आप 0 पुट करके देख लीजिए, 3, यहाँ हमने 0 पुट किया, माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो 3 जीरो जा 0 हो जाएगा, माइनस 14 इक्वल्स टू 4, तो ये हमें नहीं मिल रहा है, माइनस 14 आ जाएगा यहाँ इक्वल्स टू 4, तो ये तो नहीं मिल रहा। अब 0 के बाद हम 1 पुट करके देखेंगे, तो 3 और यहाँ हमने 1 पुट किया, 1 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, अब सॉल्व करते हैं, 3 वन जा 3 माइनस 14, अब देखिए 3 वन जा 3 आया, माइनस 14 ये प्लस का है, इसके आगे कोई साइन नहीं है ना, मतलब ये नंबर प्लस का है। अब ये नंबर प्लस का और ये नंबर काय का है, माइनस का है, तो अब एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का, तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो 14 में से 13 जाएगा तो 11 आएगा, लेकिन बड़े नंबर के साथ जो साइन है वही साइन हम यहाँ पर लगाएंगे, तो यहाँ हम लगा दिया माइनस 11 और यहाँ क्या आया 4, तो ये भी इक्वल नहीं आया। चलिए आगे देखते हैं, अब 3 की जगह हम 2 पुट करके देखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 3 टू जा 6 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, अब देखिए फिर से वही प्रोसेस, तो 14 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 8, लेकिन ये माइनस का, ये भी इक्वल नहीं आया। ओके नाउ नेक्स्ट, अब 3 की जगह हम 3 रख के देखें, 3 3 जा 9 माइनस 14, तो जब हमने 9 माइनस 14 रखा तो हमें क्या मिलेगा, 9 14 में से 9 जाएगा तो 5 मिलेगा, लेकिन ये भी माइनस का ही मिलेगा, तो यहाँ भी जो है इक्वल नहीं आई दोनों साइड, LHS और RHS इज नॉट इक्वल। तो चलिए अब हम 4 रख के देखते हैं, 4 रखा हमने तो क्या आ जाएगा, 3 4 जा 12, यहाँ आया 14, अब यहाँ पर अभी भी देखिए 14 में से 12 कम होगा तो आएगा माइनस 2, तो ये भी इक्वल नहीं आया। अब नेक्स्ट हम फिर से रख के देखते हैं 5, ओके तो चलिए हम 5 रख के देख लेते हैं, अब हमने इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में हमने यहाँ पर 5 रख के देखा, 5 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, 5 3 जा 15, 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, 15 में से 14 जाएगा तो 1 बचेगा, अब ये प्लस का बचेगा, क्यों बचेगा प्लस का, क्योंकि ये बड़ा नंबर 15 है छोटा नंबर 14 है, और 15 में से 14 गया तो 1 बचा, और बड़ा नंबर जो है पॉजिटिव है प्लस का है, इसलिए यहाँ प्लस आएगा, तो ये 4 अभी भी नहीं आया। अब हम 3 की जगह क्या रखकर देखें, सॉरी n की जगह रखकर देखेंगे हम 6, 6 और यहाँ 14, तो अब देखिए 6 3 जा 18 माइनस 14 इक्वल्स टू 4, अब 18 में से 14 जाएगा तो क्या बचा, 4 इक्वल्स टू 4, ये आ गया। तो ये देखिए हमने जब n की वैल्यू 6 रखी, जब हमने n की वैल्यू 6 पुट की तो हमें यहाँ पर जो है इक्वेशन इक्वल मिल गया, सो हियर इज द आंसर m इक्वल्स टू 6, ओके इन दिस इक्वेशन 3m माइनस 14 इज इक्वल्स टू 4, द आंसर इज m इक्वल्स टू 6, अंडरस्टूड। तो इसी तरह से आपको फर्स्ट वाले को इसको सॉल्व कर लेना है, 1 0 1 2 3 4 ऐसे रखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे जब तक दोनों साइड 17 ना आ जाए। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब ये स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं और इनके लिए आपको इक्वेशन लिखनी है, तो बहुत इजी है, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट में दिया है द सम ऑफ नंबर्स एक्स एंड 4 इज 9, इसमें बोला है कि दो नंबर्स हैं x एंड 4, उनका सम मतलब कि प्लस क्या होगा, इज 9 मतलब कि 9 होगा, इसका मीनिंग हुआ कि x प्लस 4 इक्वल्स टू 9, बस हो गया, जो इसमें लिखा हुआ है वही इक्वेशन आपको बनानी है। ओके चलिए सेकंड देख लेते हैं, सेकंड में दिया गया है 2 सबट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8, अब क्या बोल रहे हैं, 2 सबट्रैक्टेड, 2 को सबट्रैक्ट करना है फ्रॉम y से, और इज 8 मतलब हमें क्या मिलेगा, तब 8 मिलेगा, तो सेकंड वाला आपका क्या हो जाएगा,
2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y, y में से हमने 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको मिलेगा 8। ये इक्वेशन हो गई। ओके, नाउ थर्ड देखिए, 10 टाइम्स a इज 70। क्या कह रहा है वो, 10 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई, 10 टाइम्स a। अब देखिए बहुत इजी है, 10 टाइम्स a करना है, मतलब कि 10 मल्टीप्लाई बाय a यानी कि 10a इक्वल्स टू 70 हो गया। फोर्थ देखिए, फोर्थ में कहा गया है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6। फिर से समझेंगे, द नंबर b, जो नंबर b है, एक नंबर है b डिवाइडेड बाय 5, उसको किससे डिवाइड किया गया, 5 से, तो आंसर मिला 6 हो गया। बस ये इक्वेशंस आपको तैयार करनी है। फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ में दिया गया है 3/4 ऑफ t, मीन्स t का 3/4 इज 15। तो 3/4 और t, ऑफ मीन्स होता है मल्टीप्लाई, तो 3/4 ऑफ t इज 15। तो ये t है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 3t अपॉन 4 इक्वल्स टू 15 हो गई, बन गई इक्वेशन। ओके, नाउ सिक्स्थ वाला देखिए, 7 टाइम्स m, m कितने टाइम्स है, 7 टाइम्स, इसका मतलब 7m, ठीक है, प्लस लगा दीजिए, 7 टाइम्स m प्लस 7 प्लस 7 गेट्स यू 77। ये आ गया 7 टाइम्स m, 7 टाइम आपको क्या मिला, m प्लस 7, उसमें 7 प्लस किया तो हमें क्या मिलेगा, 77। दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन। नाउ सेवेंथ में देखिए क्या करना है हमको, इफ यू टेक अवे 6, टेक अवे मतलब भी सब्ट्रैक्ट होता है, ले लेना कोई चीज, तो क्या होता है टेक अवे, तो इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y, यदि आप 6 टाइम्स y में से 6 को ले लें, मींस सब्ट्रैक्ट कर दें, 6 टाइम्स y में से आप 6 को सब्ट्रैक्ट कर दें या टेक अवे कर दें, देन यू गेट 60, तो आपको कितना मिलेगा, 60, बन गई इक्वेशन। ओके, नाउ एट्थ, इफ यू टेक ये वाला एट्थ का है, अब सेवेंथ का देखिए, सेवेंथ में दिया गया है 1/4 ऑफ अ नंबर x, 1/4 ऑफ अ नंबर x, एक नंबर x है उसका 1/4 माइनस 4, मतलब कि 1/4 x अपॉन 4 या 1/4 करेंगे तो x बन जा, x ही आएगा, तो x अपॉन 4, और उसमें से हमने क्या किया, 1/4 ऑफ अ नंबर x माइनस 4, तो क्या मिल रहा है, गिव्स 4, ये गिव्स 4, ये इक्वेशन बन गई। ओके, नाउ अब एट्थ पहले करवा दिया, फिर सेवेंथ, अब इसके बाद आपको करना है नाइन्थ। ओके, तो नाइन्थ वाला देखिए, इफ यू एड 3 टू 1/3 ऑफ z, मतलब क्या कह रहे हैं वो, z के 1/3 में, 1/3 मीन्स ये होता है, z के 1/3 में आप क्या ऐड कर दें, 3 को ऐड कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, 30, यू गेट 30। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि z अपॉन 3 इक्वल्स टू z अपॉन 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 30। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी थी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या करना है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन स्टेटमेंट फॉर्म। अब देखिए, जैसा अभी हमने फोर्थ वाले हमको क्वेश्चन दिया गया था और हमने इसमें इस फॉर्म में आंसर दिया था, अब हमें क्या करना है सॉल्व, इस फॉर्म में हमें दिया गया है और हमें स्टेटमेंट की फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है, इस इक्वेशन को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है, बहुत इजी है, चलिए कर लेते हैं। फर्स्ट में दिया गया है p plus 4 equals to 15, बहुत इजी है, क्या करेंगे आप, द सम ऑफ नंबर्स p एंड 4 इज 15, वेरी इजी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहे हैं p plus 4 equals to 15, तो यहां द सम ऑफ नंबर p एंड 4 इज 15। ओके, द सम ऑफ नंबर
पी एंड 4 इज 15, ये इस तरह से हो गया। नाउ सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं एम माइनस 7 इक्वल्स टू 3, क्या कर रहे हैं एम माइनस 7 इक्वल्स टू 3, इसको लिखना है स्टेटमेंट की फॉर्म में। तो 7 सब्ट्रैक्टेड या 7 टेक अवे फ्रॉम एम इज 3, 7 सब्ट्रैक्टेड या 7 टेक अवे फ्रॉम एम इज 3, ओके। नाउ थर्ड 2m इक्वल्स टू 7, अब 2m इक्वल्स टू 7 इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो ट्वाइस है ना, ट्वाइस अ नंबर m, मतलब m का डबल या m का टू टाइम्स मल्टीप्लाई, तो ट्वाइस अ नंबर m इज 7, देखिए कितना सरल है। इसके बाद फोर्थ में वो कह रहे हैं कि m अपॉन 5 इक्वल्स टू 3, अब m अपॉन 5 इक्वल्स टू 3 का मतलब क्या है, m अपॉन 5 इक्वल्स टू 3 मतलब क्या करें वो 1/5 है ना, 1 अपॉन 5 कहलाया ना, तो 1/5 ऑफ अ नंबर m, m का 1/5 मतलब m अपॉन 5 या 1 अपॉन 5 m, ठीक है, तो 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3, ओके। नाउ सिक्स फिफ्थ देखिए 3m अपॉन 5 इक्वल्स टू 6, अब इसको देख लीजिए 3m अपॉन 5, 3m अपॉन 5 इक्वल्स टू 6, इसका मतलब क्या है कि 3/5, ये 3 अपॉन 5 आ रहा है ना m के साथ, देखिए 3 अपॉन 5 तो हम क्या लिखेंगे 3/5 ऑफ अ नंबर m, 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6, ओके। नाउ फिर दिया गया है 3p प्लस 4 इक्वल्स टू 25, सिक्स्थ वाले में दिया हुआ है, तो 3p क्या है, 3p प्लस 4 इक्वल्स टू 25, दैट मीन्स 3p मीन्स 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर p नंबर का 3 टाइम्स हो गया 3p है ना, व्हेन एडेड टू 4, उसमें हमने 4 ऐड किया तो गिव्स 25, ये हो गई स्टेटमेंट। इसके बाद सेवेंथ देखिए 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18, तो 4p माइनस 2 इक्वल्स टू 18, ये कैसे देखिए 2 सब्ट्रैक्टेड या 2 टेक अवे फ्रॉम, हम क्या कर रहे हैं 2 ले रहे हैं या 2 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं फ्रॉम किस से, 4 टाइम्स अ नंबर p, 4 टाइम्स नंबर p है मतलब 4p हो गया, उससे हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें इज कितना मिल रहा है 18 मिल रहा है, ओके। नाउ ये देखिए एट्थ p अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, p अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, तो देखिए p अपॉन 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 8, एड 2 हम क्या कर रहे हैं 2 को ऐड कर रहे हैं ना, एड 2 टू हाफ ऑफ अ नंबर, ये 1 अपॉन 2 कहलाया, 1 इंटू 1 अपॉन 2 हाफ है, ठीक है, उसमें p का मल्टीप्लाई किया है, तो एड 2 टू हाफ ऑफ अ नंबर p में हमने हाफ p हाफ है उसको हमने उसमें हमने 2 को ऐड किया तो हमें क्या मिला 8 मिल गया, इस तरह से इक्वेशन इस इक्वेशन की स्टेटमेंट्स बन गए, ओके। क्वेश्चन 6 देखिए सेट अप एन इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस, अब इन केसेस में इक्वेशन को सेट करना है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमिट हैज, इरफान हैज 37 मार्बल्स, अब इक्वेशन में बोला गया है कि इरफान जो है उसके पास 5 टाइम्स मार्बल हैं, 5 टाइम्स और 7 और ज़्यादा मार्बल्स हैं परमिट से, मतलब जितने की परमिट के पास हैं उससे 5 टाइम्स ज़्यादा मार्बल्स और प्लस 7 मार्बल्स और ज़्यादा हैं, और इरफान के पास 37 है तो परमिट के पास हमें इक्वेशन को सेट करना है, फिर उसके बाद परमिट के मार्बल्स निकल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, के पास 5 टाइम्स ज़्यादा मार्बल्स हैं जो परमिट के पास मार्बल्स हैं, तो परमिट के मार्बल हम m के रूप में लेंगे, तो क्या हो जाएगा सिक्स में m के रूप में यदि हम लेंगे तो 5m, ये हो गए परमिट के मार्बल, ठीक है, उससे 7 ज़्यादा हैं, ज़्यादा हैं किसके मार्बल्स, इरफान के, और टोटल उसके पास हैं 37, ओके। फिर इक्वेशन बन रही है लक्ष्मीज फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड, लक्ष्मी के फादर जो है 49 ईयर ओल्ड है, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज, वो क्या है 4 ईयर्स और ज़्यादा है, 4 ईयर ओल्डर है
लक्ष्मी की 3 गुनी एज कर दी जाए और उससे भी +4 कर दिया जाए तब वो 49 ईयर के हो जाएंगे। तो लक्ष्मी की एज को मान लिया हमने y ईयर्स। तो यहाँ पर देखिए y ईयर्स में सेकेंड वाला y ईयर्स लक्ष्मी की एज है और 3 times लक्ष्मीज एज। लक्ष्मी की एज 3 times मतलब की 3y और उसमें हमने 4 और ऐड करेंगे तब उसके पिताजी की एज मिलेगी 49 ईयर्स। ओके, फिर है थर्ड वाला, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स +1। टीचर ने बोला कि क्लास में जिस बच्चे को हाईएस्ट नंबर मिले हैं वो लोवेस्ट मार्क्स का ट्वाइस है और +7 है। तो हाईएस्ट मार्क्स 87 है। अब हमें लोवेस्ट मार्क्स यदि लेना है तो एल ले लेते हैं, इसमें दिया है एल ले लीजिए। तो क्या है इसमें, ट्वाइस दिया गया है ना, लोवेस्ट का ट्वाइस मतलब कि 2L, ट्वाइस मीन्स 2L प्लस कितने हैं +7। +7 यदि हम करते हैं तो हाईएस्ट मार्क्स जो है वो 87 गेन हो रहे हैं। अब लास्ट, इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल, एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है, आइसोसेल्स ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती है, एंगल्स भी तीनों बराबर होते हैं। द वर्टेक्स एंगल इज नाउ फोर्थ लास्ट नाउ लास्ट इन एन आइसोसेल्स ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस ईदर बेस एंगल, लेट द बेस एंगल बी बी इन डिग्रीज, रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। अब देखिए जो ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं, इन तीनों एंगल्स का जो सम होता है मतलब कि एंगल ए बी और यदि आप सी कर लें तो एंगल ए प्लस बी प्लस सी करें तो कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब वो कह रहे हैं कि आइसोसेल्स ट्राइंगल है उसमें वर्टेक्स एंगल है जो वो ट्वाइस है बेस एंगल के, तो बेस एंगल सी कहलाए, तो बेस एंगल का जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है, 2 times है। तो सपोज हमने मान लिया कि बेस जो 2B हो गया, ठीक है, प्लस बेस एंगल अब कितना कहलाया, सिंपल बी कहलाया, और फिर एक और 3 angles हमें चाहिए ना, तो ये वाला जो है ये ट्वाइस है, तो 2B मान लिया हमने इसे, ये बी मान लीजिए, तो समझाने के लिए मैंने बोला था ये बी 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 मान लीजिए, तो ये वाला जो है 2B है और फिर ये वाला जो है ये 1B और एक बी, ये इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो आपको क्या मिल जाएगा, 3B प्लस 1B कितना हो गया 4B इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस तरह से ये वाली इक्वेशन बनेगी, ये आपकी बन गई 4B प्लस 180 डिग्री, 4B इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये बन गई इक्वेशन। तो चिल्ड्रन यहाँ आपकी एक्सरसाइज 4.1 फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। हैव टू कंप्लीट योर फेयर कॉपी every day.